भाई और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना रिश्ता इकोनॉमी से है, ईज ऑफ लिविंग से है, उतना ही एम्प्लॉयमेंट से भी है। इंफ्रा पर निवेश का मतलब है उतना ही रोजगार के नए अवसर बनना। अगर मैं सिर्फ मुंबई में शुरू हुए मेट्रो के कार्यों की बात करूं तो इससे 10,000 इंजीनियर और 40,000 स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। भाइयों और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम गांवों में हो रहा है, शहरों में हो रहा है, वो स्थानीय स्तर पर जिस तरह एम्प्लॉयमेंट पैदा करता है, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए बिजनेस के मौके बनाता है, उसकी बहुत चर्चा लोग करते नहीं है। संभवतः इसकी एक वजह यह भी रही है कि आज जिस स्पीड और स्केल पर काम हो रहा है वो पहले कभी हुआ ही नहीं, इसलिए इस ओर लोगों का ध्यान भी कम होना बहुत स्वाभाविक है। अब जब स्थितियां बदल रही है तो ये विषय भी अब चर्चा में आना शुरू होगा। सोचिए, क्या कोई पहले सोच भी सकता था कि बरसों से अटका हुआ नवी मुंबई एयरपोर्ट का काम, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का काम, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम इतने व्यापक रूप से शुरू होगा, इतनी तेज गति से आगे बढ़ेगा? ये सारे प्रोजेक्ट मुंबई और आसपास के लोगों के रोजगार के अनेकों नए अवसर दे रहे हैं।